बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والذين اتخذوا من دونه أولياء ما अल तो ज़ुमर आयत नंबर 3। याद रखो कि खालिस बंदगी अल्लाह ही का हक है और जिन लोगों ने उसके बजाय दूसरे रखवाले बना लिए हैं ये कहकर कि हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें, उनके दरमियान अल्लाह उन बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। यकीन रखो कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स को रास्ते पर नहीं लाता जो झूठा हो, कुफ्र पर जमा हुआ हो। सदक़ल्लाहु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आपको हम रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। सहरी एक ऐसा वक्त है कि जहाँ पर हम सब लोग उठे होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि एक तो रोज़ा रखने की नीयत का सवाब और फिर सहरी खाने की जो सुन्नत मुबारक है उसका सवाब हमें हासिल हो। और हमारी दुआ ये है कि हर वो सवाब आपकी ज़िंदगी में शामिल हो और इस माह मुबारक की तमाम बरकतें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल हों। हमने अपने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है उनका ताल्लुक दीन से और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपको अंदाज़ा होगा कि गुनाह कबीरा की फहरिस्त में एक गुनाह जो कि मैं और आप और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर एक शख्स बहुत ढिठाई के साथ और बड़ी जाफिशानी के साथ और बड़े तवातर के साथ कर रहा होता है। यानी हम ये तो समझते हैं कि शराब उम्मुल खबाइस है, अगर हम इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं जो लोग वो भी इसमें आर महसूस करते हैं, जो लोग उसको बुरा समझते हैं वो सब बुरा जानते हैं। लेकिन इसी फहरिस्त में वालदैन की नाफरमानी करना और बहुत सारी चीज़ों के तस्करे के साथ एक चीज़ का तस्करा हुआ है और वो है झूठ बोलना। और हम इसको उतना हराम उतना गलत नहीं समझते जबकि ये गुनाह कबीरा की फहरिस्त में शामिल एक गुनाह है। इसका मतलब ये है कि हम झूठ बोल लें या हम कोई और गुनाह कर लें तो बराबर होगा मामला, गुनाह कबीरा कर रहे होंगे हम। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जनाब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन शराब भी हो सकता है? तो आपने फरमाया कि हाँ हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन ज़ानी हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो हम ये समझते हैं कि ये तो गुनाह ज़्यादा बड़े हैं, ये गुनाह बहुत मामूली है, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक ये गुनाह इंसान के ईमान के साथ दुश्मन है उसका, और ईमान और इसका कुछ ऐसा बैर है कि मोमिन जो तमाम खताकार तमाम गुनाह कर सकता है वो ये गुनाह नहीं कर सकता। ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पता चलता है। और अगर अल्लाह की किताब हिकमत को खोल के देखें तो सिर्फ एक जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला की लानत जो है वो हमें पता चलती है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन के नाम से, यानी अल्लाह की लानत हो झूठों के ऊपर। और हम अपनी ज़िंदगी में कितने आराम से झूठ बोल देते हैं, हमें लगता है ज़रूरतन मसलहतन मजाक में हम किसी के साथ कुछ भी कह सकते हैं और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अगर झूठी कसम खा ली है तो हम बाद में उसका कफ़ारा दे देंगे, अगर कोई वादा झूठा हो गया है तो हम उसके लिए कोई कज़ा कोई ना कोई इस तरह से कफ़ाया अदा कर देंगे। अगर हमसे कोई वो है हम आमदन भोला है, दूसरे शख्स की ज़िंदगी उससे तबाह और बर्बाद हुई है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आज हमने इस माशरती बुराई को जो कि हमारे अंदर मौजूद है डिस्कस करना है और जानना है कि क्या मियाँ बीवी आपस में झूठ बोल सकते हैं, क्या उस्ताद जो है वो शागिर्द से झूठ बोल सकता है, क्या झूठ बोलकर रिश्ते कायम किए जा सकते हैं, क्या अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोलना जायज़ हो जाता है, और क्या क्या चीज़ है वो जिसे कहते हैं ज़रूरतन या मसलहतन झूठ बोलना जो है वो ठीक है। आज हमने इस बात को जानना है ताकि हम इस हराम से अपने आप को बचा सकें जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो मेरी आज ख्वाहिश है कि हम इस एक मर्ज़ से, इस एक गुनाह कबीरा से अपने आप को बचा सकें। और जिन मेहमानों के साथ आज हमारी नशिस्त रहेगी, जिनसे हमारी गुफ्तगू रहेगी, उसमें हमारे नामवर स्कॉलर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आपको मालूम है हर रोज़ की तरह मेरे साथ आज भी हैं डॉक्टर सलाउद्दीन सानी जो कि एक बड़े मारूफ स्कॉलर हैं। सीरत नबी के हवाले से इनकी कुतब पे 9 मरतबा से ज़्यादा इनको सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी जो है मिल चुका है, जो कि एक बड़ा एज़ाज़ है। और सीरत तैयबा पर आपकी किताबें बहुत सैर हासिल इल्म का ज़ख़ीरा रखती हैं। और उनके साथ मेरे साथ हैं हमारे बहुत मारूफ स्कॉलर अल्लामा ज़हीर साहब जो कि अल्लामा ज़हीर आबदी साहब जो कि पाकिस्तान शिया कौंसिल के सदर हैं और दरस व तदरीस के साथ वाबस्ता हैं। हमारे साथ आज एक और बहुत काबिल एहतराम स्कॉलर तशरीफ़ फरमा है जो कि मोहतम हैं दारुत तालीम के और बहुत जाने पहचाने स्कॉलर हैं मौलाना आजाद जमील साहब। सर हम आपको भी खुश आमदीद कहेंगे अपनी आज की ट्रांसमिशन में। शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अच्छा, अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से हमने अपनी आज की सहरी ट्रांसमिशन रमज़ान इश्क का आगाज़ किया। और अब मैं उसके बाद अपने मुकर्रम भाई से दरख्वास्त करूँगी एक खूबसूरत से हमदिया कलाम की। और मेरे साथ हमारी दोनों ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्कीस आज हमें किस चीज़ के बारे में बताने जा रही हैं? आज मैं अनार के बारे में बताने जा रही हूँ। अच्छा, अनार को अरबी में रोमान कहते हैं और इसको जन्नत के फल के तौर पे तस्करा किया गया। आज मैं अनार न सिर्फ अनार के छाल, उसके पत्ते, हर चीज़ के बारे में बताऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे शामिल कर सकते हैं और किन बीमारियों से वो आपको निजात दिलाता है। सही, मतलब कि उसके कोई भी, जिस तरह कल हमने केले के बारे में बताया था, इस तरह आज पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे कि अनार से आप क्या फ़वाद हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप आज किचन में क्या बनाने चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सब लोग? बहुत जबरदस्त। रोजी जैसे आहिस्ता-आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आगे गुजर रहे हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज शाम में तो खासी हवाएं चल रही थी। और इस्लामाबाद में सुना बारिश भी हुई है। इस्लामाबाद में बारिश बड़ी धुआंधार। अल्लाह ताला अपने बंदों पे करम करता है। हम लोग परेशान थे कि जी रमजान है, गर्मी बहुत है, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने मौसम कितना अच्छा है। नियतों का असर है हमारी, हम लोगों ने अच्छी नीयत के साथ रोजे रखे। तो जनाब आज सहरी जो है वो अच्छी सी बनेगी। आज हम बनाएंगे बोरी चिकन कटलेट्स बनाएंगे। चिकन कटलेट्स, बोरी चिकन कटलेट्स, बोरी चिकन कटलेट्स। इसमें और आम चिकन कटलेट्स में क्या फर्क होगा? फर्क है इसमें थोड़ा सा ना। अच्छा, फर्क है। अभी आप देखिएगा, फिर मैं बताऊंगी क्या फर्क है। इसके अलावा हम जेली योगर्ट बनाएंगे ना, तो वो आप देखिए, ये बच्चों के लिए वैसे भी ठंडी चीज है। योगर्ट के साथ जेली को मिक्स करके किस तरह से बनाएंगे ये आप देखिएगा। हाँ, बच्चे दही नहीं खाते, दही नहीं खाते ना, वो दही खा लेंगे, ये इस तरह से खा लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। सो आज हम ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन ऐसा था कि अल्लाह ताला का पाक और बाबरकत नाम से हमने तिलावत पाक से अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। और अब गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाह रही हूँ एक हमदिया कलाम जो है वो मुकर्रम अली ख़ान साहब आपकी आवाज़ में प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर व मारूफ़ हमदिया कलाम हम सब इंशाल्लाह आज के दिन की इब्तिदा इस ज़िक्र से करते हैं। सब मेरे साथ मिलकर पेश कीजिए। खुदी का सिर बेहा खुद खुदी का सिर माशाल्लाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। और यही खुदी है। आज हमने झूठ के हवाले से बात करनी है और डॉक्टर जमील राठौर भी तशरीफ ले आए हैं। आप भी प्लीज फ्लोर पर तशरीफ लाइए ताकि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दें। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुशामदीद, रमजान इश्क है, सहरी ट्रांसमिशन आज और इसमें हमारी बातचीत जो है वो एक ऐसे गुनाह कबीरा से मुतालिक जिसको हम गुनाह ही नहीं समझते हैं कि मसलहतन ज़रूरतन जहाँ हमें मजबूरी हो वहाँ पे हमें दिल किसी का तोड़ना ना हो, हमें किसी का घर बचाना हो, अपना घर बचाना हो, नौकरी बचानी हो, इज्जत बचानी हो, तो हम झूठ बोल सकते हैं जहाँ जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़े। सो आज हमने इसी चीज़ पर बात करनी है क्योंकि मुझे जो किताबों में पढ़ने को मिला है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हम तक पहुँचे हैं उसके मुताबिक मुनाफिक की चार निशानियाँ हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे, और जब झगड़े पे उतरे तो गाली गलोच करे। और सोचने की बात यह है कि हम में से किस में बताया कि जिनमें से इसमें से कोई एक अलामत मौजूद है उसमें नफाक की एक अलामत मौजूद है, और अगर चारों मौजूद हैं फिर नफाक की चारों अलामत जो हैं वो मौजूद हैं। और अल्लाह ताला हमें माफ़ करे कि हम में से अक्सर और बेशतर अगर अपनी तरफ नज़र दौड़ाएं तो लगता है कि पक्के पक्के खालिस मुनाफिक जो हैं वो हम हैं। सो आज इसी के ऊपर हमने बातचीत करनी है। मेरे आज मेहमान जिन्होंने हमें आज ही ज्वाइन किया है मौलाना आजाद जमील साहब, मैं उनसे ज़रा इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर आपका क्या ख्याल है ये झूठ के बारे में? हमें पता है कि कुरान पाक में कितनी सख्त वही लानतुल्लाह अलल काज़िबीन से बढ़कर तो कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन क्या ज़रूरतन झूठ बोलना, मसलहतन झूठ बोलना, कहाँ पे ज़रूरत और मसलहत का हद क्या है, कहाँ पे झूठ बोलना जायज़ हो जाता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुनियाद असल में झूठ को तो कुरान ने भी सराहतन, वजाहतन, किनायतन इसका जिक्र किया है, और हदीस में भी इस चीज़ की बड़ी ममानियत है। कुरान तो साफ ऐलान करता है अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। ये तो बात इसमें तो कि न किसी का इख्तलाफ है न किसी राय की ज़रूरत है, एक चीज़ मुकम्मल हो गई, मोहर अल्लाह ने लगाई है। दूसरी जगह हदीस में आता है कि हदीस में है कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच निजात देता है झूठ हलाक करता है। अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, झूठ। यहाँ कत्ल का खतरा हो, मारने का खतरा है तो झूठ आप बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। यहाँ अब आपको मारने का खतरा है, अब आप भूख की शिद्दत है या कहीं कैद में है तो हराम भी खा सकते हैं। तो दीन ने फिर जहाँ जहाँ इजाज़त दी है, जहाँ जहाँ वसाअत दी है, उसको फिर हमने देखना है। दीन ने फिर यहाँ इजाज़त दी। अब रिवायात में आता है कि शोहर बीवी से झूठ बोल सकता है और अच्छा। कहीं झूठ नहीं बोल सकता अच्छा। मतलब सिर्फ शोहर बीवी के साथ झूठ बोल सकता है, उसकी इजाजत दी गई है। तो फुकाहा मैं इस मसले में बहुत पड़ा कि यार ये जी जी दूसरी शादी कर ले और अपनी बीवी से झूठ बोले कि मैंने नहीं, ये गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये नहीं कि वो शादियां करे कहते वो ठीक है जी जी उसमें नहीं, बीवी को खुश करने के लिए झूठ कि यहाँ इस तरह इजाजत है। यानी वो उससे पूछे कि आप दो बीवियां हैं, वो पूछे तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, तो वो उससे कहे तुम ही से ज्यादा प्यार करता हूँ, इतना झूठ बोल सकता है। तो इससे ज्यादा नहीं बोल सकता कि वो कहे नहीं मैंने तो शादी नहीं की, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। वो कौन सी बहन है जिनका आप जिक्र कर रही हैं? यानी ये झूठ नहीं बोल सकता। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये बेसिकली बुनियाद यही चीज है कि वो बनो इसराइल में एक आदमी मिला, पता नहीं किससे मिला, तो उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने उनसे पूछा कि हुजूर आपकी भी तो किसी से मोहब्बत है, लव स्टोरी तो थर्टी भी होगी किससे है। वो कहने लगे मेरी है कि एक बंदे से जिसमें तीन सिफात हों, एक नमाज पढ़े न पढ़े कोताही करे, दूसरा झूठ कसरत से बोले, और तीसरी बुनियाद कसम खाए अगर ये तीसरा काम भी करे तो वो पीर है, मैं उसका मुरीद हूं। कसम भी खाए, झूठ बोले, उसका मुरीद हूं। तो अब गुंजाइश यहाँ कत्ल में, इंसान कत्ल हो रहा है तो कलमा कुफर भी जायज है, कत्ल में तो कलमा कुफर भी जायज। अच्छा अच्छा, यानी आपके ऊपर ये हालत आ गई कि आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी कैद में हैं, किसी ने आपसे पूछा अगर तुम मुसलमान हो तो गोली मार देंगे, तो आप कह सकते हैं कि नहीं आप तो मुसलमान नहीं। ये यहाँ आप पे जान पर अंदर का मामला तो देखो, ईमान का ताल्लुक अल्लाह ने अंदर रखा है, ईमान का ताल्लुक अंदर अल्लाह ने रखा है। तो ये बुनियाद है। तो इस चीज के बारे में फुकाहा ने आयत है ना, मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उक्रिय व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। ठीक है ना, कि अगर आपको कलमा कुफ्र कहना पड़े, कोई गन पॉइंट पर कहे कि कलमा कुफ्र कहो, लेकिन अगर दिल में ईमान है और आपको शरह कल्ब है कि आपके दिल में ईमान है, तो आप जान बचाने के लिए अपनी जबान से जो है वो कलमा कुफ्र भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी इससे हद थोड़ी बढ़ती जाती। नौकरी बचाने के लिए भी क्या जायज़ है? नहीं, नौकरी के लिए बाज़ औक़ात आप रिस्क के ऐसी किसी मजबूरी में आ जाते हैं, आप अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रहे हैं, आप कफील हैं घर के, आप पे जिम्मेदारियां हैं, नौकरी का कोई मामला ऐसा बन गया है कि वहाँ पे अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा या आपके लिए कोई झूठ से तो फिर हम वो ताबीर लेंगे कि जैसे झूठ कसम के एतबार से है, जैसे कि कसम से और झूठ से माल बिक जाता है, बरकत नहीं रहती आपकी। ठीक है, वो तो आपने झूठ बोल दिया, पर आज जो मसाइल का हल है उससे निकालने के लिए जो आपका प्रोग्राम है, ये उससे निकालने के लिए सच का, जैसे मैंने बुनियाद पहले हदीस आपको सुनाई कि अस्सद को युंजी वल कदीब युहलिक, कि सच निजात देता है, झूठ हलाक करता है। और बुनियाद झूठ की वो होती है, फरिश्ते जानी सा नहीं भागते, जैसे जानी सा नहीं भागते, शराबी से, शराब कितनी बड़ी शय है उससे नहीं भागते, किसी इंसान से, काफिर से भी नहीं भागता है। लेकिन हाँ, जो आदमी झूठ बोलता है उसके मुंह से फरिश्ते उसकी बदबू से, उसकी बदबू की स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि फरिश्ते दो मील दूर भाग जाते हैं ये झूठ बोलने। तो जो झूठ बोलता है उसके क्या, उसकी ना तो चेहरे पे रौनक रहती है, ना घर में रौनक रहती है। बुनियाद जब से हमने ये चीजें मामूली समझी कि कोई गल नहीं, बोलो जी, झूठ बोलो। देखो, फरिश्ता लिख रहा, आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल, इधर तो काउंट हो रहा है, इधर तो लिखा जा रहा है, इधर वो इसी बनो इसराइल में एक ने वहां इबलीस नजर आते थे, उन्होंने देखा कहने तो वो ये किरामन कातिबीन, तो इनको देखा, आए, कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने लिखा अस्सलाम वालेकुम, कि तुम ये भी लिखते हो, उन्होंने लिखा तुम ये भी लिखते हो, कहा ये भी लिखते हो, उन्होंने लिखा ये भी लिखते हो। तो परेशान, तो एक एक हमारा कामल, एक एक बोल वो लिखी जा रही है, काउंट है। तो झूठ का तो बेसिकली बुनियाद मैंने जैसे अर्ज किया कि हदीस और कुरान में वजाहत के साथ। जी, अच्छा, अब हमारे स्कॉलर जनाब अल्लामा साहब, मैं इसमें एक बात की वजाहत करना चाहूँगा। गुफ्तगू में जमील राठौर साहब ने कुरान की आयत भी पेश की और मौलाना ने भी कहा मसलहतन झूठ बोलने के लिए, यह जान बचाने के लिए, और आपने बार बार पूछा कि नौकरी के लिए। देखिए, ये जो इजाज़त है मसलहतन, वो मसलहत कोई सी भी हो, ये वहाँ नहीं है कि जहाँ खुद आप अपनी गलती करते जाएँ और उसको छुपाने के लिए झूठ बोलते जाएँ। मसलन ये कि मैं इनका कोई हक मार लूँ, इनका पर्स उठा लूँ और उसके बाद झूठ कह दूँ कि मेरी इज्जत का सवाल है, अगर मैंने ये कह दिया कि मैंने पर्स चुराया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। जुर्म भी करूँ और उस जुर्म को छुपाने के लिए कि जी वो मेरी इज्जत का सवाल है, मैं झूठ बोलूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ आदमी किसी खुदाई आफत कह लें, जो एक आसमानी आफत कह लें आप, या एक आई आफत कह लें, उसमें जब फंस जाता है, वहां अगर उसने अपनी इज्जत, अपना ईमान बचाना है, अपनी जान बचानी है, अपना नामूस की इज्जत बचानी है, तो वहां वो झूठ बोल सकता है। ये नहीं है कि जुर्म किए जाए और झूठ बोले जाए, दूसरी शादी कर ली और कहा कि बीवी से छुपा के नहीं मैंने नहीं की, तो ये जुर्म करके झूठ बोलना झूठ जायज है। ये नहीं, ये झूठ जायज नहीं है, ये झूठ जायज नहीं। इस पे तमाम उलेमाए कराम का इत्तेफाक है कि ये झूठ जायज नहीं, क्योंकि ये झूठ बहुत ज्यादा बोला जाता है हमारे माशरे में, और औरतों की हक तलफी बहुत ज्यादा है। झूठ तो हर सूरत में नाजायज है, उसकी बात सूरतें हैं जी, कि जिसमें आप हिकमतन कोई ऐसी जुमानी बात कर सकते हैं जिससे आपकी जान बच जाए, आपकी नौकरी बच जाए और आपका स्टेटस में जो मानी बात। जैसे और जो खवातीन का मामला है, वो अपनी बीवी का दिल लुभाने के लिए अगर आप उसको ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं जिसका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहा से कहा करते थे कि या रूही, या रैहानी, के या हुमेरा, हुमेरा सुर्ख सफ़ेद, रूही तुम मेरी जान हो, रैहानी तुम मेरी खुशबू हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अपने घर वाली से, अपनी जोजा से इस अंदाज से बात करता है कि उसका दिल खुश हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 700 सालों की इबादत का अजर व सवाब आता फरमाएगा। बिल्कुल से दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। मैंने एक वाकया पढ़ा था, सूफिया किराम में से किसी एक का नाम मेरे जहन से महव हो गया कि वो किसी जगह पे मौजूद थे और उनकी जान को खतरा लाहक था, दुश्मन आ मौजूद हुआ और वो उनको शक्लन नहीं पहचानता था। तो उसने पूछा कि जनाब वो साहब कहाँ गए, तो वो जहाँ खड़े थे वहाँ से एक कदम पीछे हट गए और उन्होंने कहा अभी तो यहीं खड़े थे। सो उन्होंने मतलब झूठ भी नहीं बोला, अपनी जगह से हट गए। तो इस तरह का झूठ बोलना आप समझ रहे हैं कि ये ठीक हो जाता है। हम एक ब्रेक के लिए रुके, लेकिन आपके जहन में भी कोई सवाल हो हमारे किसी स्कॉलर से, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट से, हर्बलिस्ट से, आप कॉल कर सकते हैं और ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे यकीन है आप सहरी कर रहे होंगे और हम भी आपके साथ साथ अपनी इस गुफ्तगू के जरिए से कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को गुनाहों से पाक करने की कोशिश करें। वहाँ पे जहन में रहे कि झूठ एक गुनाह कबीरा है और इसी के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू भी रमजान इश्क है। हम वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। सर आपने तो बड़ा खतरनाक मामले में डाल दिया ख़वातीन को, ये कह के कि औरतों से झूठ बोला जा सकता है। मुझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद है कि एक माँ अगर अपने बच्चे को भी ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें ये तोहफा दूंगी और वो ना दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया। ये भी झूठ है कि आप अपने बच्चे को ये कहें कि बेटे मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगी अगर तुम ये काम ना करो और आप वो टॉफ़ी ना दें, तो ये झूठ है। तो अगर इतनी छोटी सी चीज़ झूठ है तो बिल्कुल साहब आप क्या पूछ रही थी? मैंने कहा कि इसका मतलब है कि मसलेहतन जो है ना बीवी से मतलब बोलना जायज़ है और तो किस गड़बड़ हो जाएगी। हां मैंने तो आप लोग की गुफ्तगू से यही समझी हूं। नहीं मैं वजाहत करूं प्लीज। देखिए इस काला का मकसद ये था कि खिलाफ वाकया कोई बात कह देना वो उसमें शामिल है। मिसाल के तौर पे कि खातून ने लिबास तो अच्छा नहीं पहना हुआ, उसे कहा नहीं माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा लिबास है, यानी उसे खुश करने के लिए कोई बात कही है इस ज़िम्मे के अंदर। दूसरे ये कि मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा झूठ की, ताकि मेरा ख्याल है कि नाजरीन को बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। झूठ कहते हैं, किस्म कहते हैं खिलाफ वाकया किसी बात का कहना जो हकीकत के खिलाफ कोई बात है उसको कहना। अब क्या हर कहीं भी बात गुनाह कबीरा कहलाएगी जी। आपने इंट्रोडक्शन में जो हदीस पेश की जी 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 ना, ये एक सवाल है। हाँ कुछ सूरतें ऐसी हैं जो यकीनन गुनाह कबीरा है बल्कि बदतरीन जुर्म है। अच्छा मिसाल के तौर पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात को मंसूब करना कि आपने ये फरमाया, सही इसको कतन हराम करार दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ठीक इसी तरीके से एक किस्म इफ्क कहेंगे हम, यानी जो बोहतान लगाना, झूठा बहुत इल्जाम लगाना किसी को, तोहमत लगाना, तोहमत लगाना ये भी बदतरीन जुर्म है। इसलिए कि कुरान ने कहा है कि इज्तनिबू कौल ज़ूर, बचो झूठ बोलने से। और ये वो झूठ है जिसके बोलने पर 80 कोड़ों की सजा है। बिल्कुल है और ये हम नहीं जानते, हम आराम से बोहतान लगा देते हैं, हम आराम से लगा देते हैं। खातून को फला 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 जी फला के साथ स्कूटर पे जा रही थी, चाहे उसका वालिदी क्यों ना हो हम बहुत आसान जी हम बहुत आसानी के साथ कोई खातून अगर किसी के साथ खड़े होकर सिर्फ फोटो ही बनवा ले तो हम उसको पूरे हसब नसब के साथ उसको जोड़ देते हैं। ये बदतरीन यानी कि झूठ है। इसी तरीके से एक झूठ ये भी है। इस सर इसकी जरा ज्यादा वजाहत कर दीजिए ना कि कुरान पाक ने बहुत खुले अल्फाज में कहा है कि जब आप किसी औरत पे इल्जाम लगाएं तो 4 गवाह लेकर आए उसके। और अगर आप जी जनाब मौलाना साहब तो जैसे आजकल औरतों पर बहतान बांधा जाता है और औरतों पर झूठ बांधा जाता है, खुसूसन औरत के एतबार से अल्लाह के नबी ने ऐसी हदीसें मौजूद हैं जो औरतों पर ज़्यादा मबनी हैं जी, औरतों पर। लेकिन वो अलग है कि औरतें ज़्यादा झूठ बोलती हैं। आपने फरमाया मैंने जहन्नुम में देखा औरतों को चूंटियों से पकड़कर, और फिर आपने फरमाया कि अक्सर औरतें अपनी ज़बान की वजह से जहन्नुम में जाती हैं। तो दूसरी बात है कि अपने बच्चों को बुलाने और बिठाने में भी लानती कि इस ये भी हलाक करके रख देती। और दूसरी बात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक वाकया पेश आया, वाकया एक औरत का इंतकाल हुआ तो उसको कुछ औरतें गुस्ल दे रही थी, ठीक, कुछ औरतें गुस्ल दे रही थी। तो गुस्ल औरतों की बड़ी आदत होती है जी फलांसी, है जी ये फलांसी, हर जगह मौका महल देख करके अपना मामला आगे बढ़ती। ये तो अमूमन कोई भी गैदरिंग शॉपिंग सेंटर्स में भी जाकर देखो, किसी भी इदारे में ये अपना वो बरकरार रखेगी, चैनी कोई नहीं। एक फितरती मसला भी होता है। तो जो ये मसला पेश आया तो गुस्ल के दौरान एक औरत कहने लगी इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात। गुस्ल देने वाली यूं कह रही है कि इस औरत के फलां औरत के साथ गलत ताल्लुकात हैं। बला गवा बिला ऐसी अपनी मजलिस गरमाने के लिए बात की उन्होंने। एक मैं बात करूं तो ये जो बात हुई तो आगे जाकर अब वो लोग चले गए। इस औरत का उस पे हाथ चिमट के गुस्ल देने वाली का यूं हाथ, अब ये निकालना यूं कर रही है, हाथ ऊपर उठ नहीं रहा, हाथ ऊपर उठ नहीं रहा, और ज्यादा हुआ और हाथ उठा नहीं। और उधर से गुस्ल देने वाले कह रहे हैं भाई बीबी जल्दी करो, मैयत को हमने दफनाना है। तो अब मसला पेश आया कि नहीं ये हाथ निकालना चाहती है, हाथ छोड़ाना चाह रही है पर नहीं हो रहा। तो कहा मसला क्या पेश आया हुआ, कहा यह हाथ चिमट गया। तो जो औरत वाले थे उन्होंने कहा भाई हाथ का मसला है, औरत के जिस्म से काटा जाए। मैयत वाले कह रहे हम अपनी मैयत खराब होने नहीं देंगे। ये क्या हुआ, नहीं औरत का हाथ काटा जाए। तो एक दिन पूरा गुजरा, एक दिन पूरा गुजरा। जब एक दिन पूरा गुजरा लोगों ने कहा ये क्या बना हुआ है। लोग गए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत तशरीफ लाए। उन्होंने कहा जो गुस्ल देने वाली है इनसे कहा आपने गुस्ल देते कुछ कहा तो नहीं था। कहा एक बात कही थी कि इसके फलां के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, झूठ बोला है। तो कहा ये बात कही थी, कहा कि तुम्हारे पास गवाह हैं, कहा नहीं। तुमने खुद देखा है, कहा नहीं। तो फिर क्यों, कहा ऐसा हुआ कि अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, 80 कोड़े लगाओ। 80 कोड़े लगाओ। 80 कोड़े लगाए औरत का हाथ खुद ब खुद नहीं वही ना। तो ये एक ये चीज आनी चाहिए, ये बतानी चाहिए कि ऐसा है। ये बहुत क्लियर है, कुरान पाक के अहकामात में से है कि जो किसी औरत जो मासूम भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं और उसके बदले में फिर 4 गवाह नहीं लेकर आते, ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगाओ और फिर इनकी गवाही कभी कबूल ना करो। कितना बड़ा, कितना क्लियर ये वर्सेज अल्लाह ताला की अहकाम है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ तो बाकायदा तकारीर हो गई है जी, डिस्कशन होनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं कि झूठ एक ऐसा मोजी मर्ज है, कुरान मजीद ने जिसे बार बार तंबीह करके मना किया है। इन्नमा यफ्तरल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनूना बि आयातिल्लाह, ऐसे लोग जो अल्लाह की निस्बत से झूठ बोलते हैं और वो यकीनन पक्के झूठे हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन मुसरिफुन कज़्ज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। अभी डिस्कशन होती झूठ कितना बोलना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम निसाई की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने वाले पर जन्नत को हराम कर देगा, जहन्नम को वाजिब कर देगा। अच्छा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या कोई मामूली झूठ पर भी ऐसा होगा? अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीलू की शाख के मुतालिक भी अगर कोई झूठ बोलेगा, झूठ बोलकर किसी भाई का हक अगर उसने गसब कर लिया, पीलू की शाख के बराबर। रहमतुल्लाह अलमीन कह रहे हैं पीलू की शाख, और आप कह रहे हैं औरत के साथ। तो वो पीलू की शाख से तो औरत का दर्जा थोड़ा सा नहीं, वो तसामुह हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा। वो ये है कि अगर आप ये देखें, झूठ की कुछ सूरतें हैं जवाज की, कि दो भाइयों में लड़ाई हो गई है और आप ये चाहते हैं कि उनमें सुलह हो जाए, तो फिर कुछ ऐसी जुमानी बातें की जाएं एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए, दिलों में मोहब्बत डालने के लिए कि भाई आपको उसने आपको सलाम भेजा है, वो आपकी तारीफ कर रहा था, तो उससे उसके दिल में जगह पैदा हो। तो ऐसी जवाज की सूरतें मौजूद हैं। हाँ, खवातीन पर दिलजोई, और जिस तरह सानी साहब ने जिस तरह हदिमन कदम आलिय मुताम्मिदन फलियतबव्वा मक़ादहु मिनन्नार, कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कि रिवायत में आता है, पूरे खुदा से अगर मंसूब कर दे तो फरमाया कि उसका ठिकाना जहन्नम है। सही। अच्छा, एक सिचुएशन मैं सर आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उसका जवाब मैं ब्रेक के बाद चाहूंगी। डॉक्टर साहब आप चूंकि बोलना चाह रहे हैं काफी देर से, तो मैं बात नामुकम्मल रह गई। हाँ जी, ये सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है चूंकि, इसलिए आपको मौका मिलेगा। एक फर्ज किया कोई खातून देखती है अपने शौहर को किसी के साथ और वो पूछती है कि कौन थी वो, तो वो कह देते हैं तुम्हारी कसम मैं तो जानता भी नहीं, तुम्हारी कसम मैं तो, मुझे तो नहीं पता तुम किस चीज़ की। अब वो और उन्होंने फर्ज किया उनसे शादी की हुई है अब वो अपना वो घर बचाने के लिए उस औरत से झूठ बोल रहे हैं, दोनों औरतों से झूठ बोल रहे हैं, तो क्या झूठ की ये किस्म जायज़ हो गई? इसलिए कि उन्होंने अपना उधर भी घर बचाने के लिए और इधर भी घर बचाने के लिए मसलहतन ज़रूरतन जो झूठ बोल लिया। तो अब मुझे इसके बारे में थोड़ी सी बता दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के झूठ बहुत आम हमारे घरों में, हमारे माशरे में बोले जाते हैं। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।